नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर प्रयागराज। आईबीएस या इरिटेटिंग बावेल सिंड्रोम आम जनमानस में यह बहुत ही सामान्य समस्या है और ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है कि आईबीएस की समस्या से वो जूझ रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी लंबे समय से इन समस्याओं से परेशान होते हैं, कुछ लोग कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से उनमें शुरू हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आईबीएस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। वैसे ज़्यादातर आईबीएस के कारणों का पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ संभावित कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आईबीएस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। आईबीएस जैसा नाम है कि इरिटेटिंग बावेल सिंड्रोम, यानी आपकी जो इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइन में इरिटेशन उत्पन्न हो रहा है, यानी उसमें ऐसा हो रहा है कुछ जिसको आप ये कह सकते हैं कि जो आपके आंतों की क्रियाविधि को डिस्टर्ब करती है, उसके बावेल फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देती है, यानी उसके मसल्स जो इंटेस्टाइनल मसल्स हैं उसकी अगर क्रियाविधि बढ़ जाए, तेज हो जाए, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट बढ़ जाए, तो हमारे आंतें बहुत जल्दी जल्दी बावेल क्लीन करने लगती हैं, यानी आपके स्टूल जाने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और आपको बार बार शौच के लिए जाना होता है। और वहीं अगर इंटेस्टाइन की क्रियाविधि यानी गति कम हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन होने की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें आईबीएस में फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, फिर कभी कभी बहुत कम हो जाती है, दो दो तीन तीन दिन तक वो शौच के लिए नहीं जाते हैं और पेट फूलने लगता है। तो आंतों की क्रियाविधि यदि इस तरह डिस्टर्ब होती है, उनका मूवमेंट डिस्टर्ब होता है, तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होने की संभावना रहती है। कभी कभी ब्रेन गट एक्सिस की क्रियाविधि या उनका सामंजस्य बिगड़ जाता है, यानी ब्रेन और आंतों के जो कार्यक्रम है, क्रियाविधि है, वो एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं जिससे हमारी आंतें मूव करती हैं और उसमें पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से होता है। यदि उनका सामंजस्य भी डिस्टर्ब रहने लगे तो ऐसी स्थिति में भी हमारी आंतें ठीक से पाचन क्रिया को नहीं करती हैं और आईबीएस की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ अन्य कारणों की बात करें तो कभी कभी आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन होती है, जिसकी वजह से भी बावेल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। या कुछ ऐसे लोग जिनमें पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ रहा हो, अब ठीक हो गया हो, या कुछ इन्फेक्शन बचा रह गया हो, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के शिकार हुए रहे हो पहले से। कुछ ऐसे लोग जैसे उनको कभी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुई है, बहुत ज़्यादा डायरिया, वोमिटिंग, इस तरह की समस्या हुई है, या फूड पॉइजनिंग हुई है, उसके बाद यदि वो सही से क्लीन नहीं होता, क्लियर नहीं होता, ठीक नहीं होता, तो आईबीएस की समस्या बनी रहती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें कॉक्स एब्डोमेन या आंत की टीबी हुई रही हो, या शरीर में किसी अन्य भाग में टीबी की संभावना हुई हो, या टीबी पहले से हुई हो जिसका इलाज हुआ हो, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में भी आंतों में इस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं और यह आईबीएस के सिम्टम उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट जिसमें प्राइमरी इन्फेक्शन भी टीबी का आंतों में हो सकता है और वह डायग्नोस न हो पा रहा हो, तो इसकी वजह से भी इरिटेटिंग बावेल सिंड्रोम होते हैं और आंतों में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। अन्य कारणों की बात करें तो कुछ ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं और इंटेस्टाइन के फ्लोरा को या म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन रखते हैं और हमारे पाचन क्रिया में बहुत सहायक होते हैं, किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से धीरे धीरे अगर इंटेस्टाइनल फ्लोरा डैमेज होती है, जैसे हम बहुत ज़्यादा पेट साफ करने की औषधियाँ लंबे समय तक लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी इंटेस्टाइनल फ्लोरा के डैमेज होने की संभावना रहती है, यानी आंत के अंदर की मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती हैं यह औषधियाँ। तो ऐसी स्थिति में यदि हम बार बार लैक्सेटिव यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा पेट साफ करने की दवाइयाँ लेते हैं, तब भी हमारी आंतों के अंदर की झिल्ली डिस्टर्ब होती है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें आईबीएस होने की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ सेंसिटिविटी होती है, कुछ लोगों को कुछ खाद्य पदार्थों से, कुछ ड्रिंक से सेंसिटिविटी होती है। जैसे खाद्य पदार्थों की बात करें तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे
फास्ट फूड या जंक फूड में पड़े होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, सिंथेटिक जो चीज़ें डाली जाती हैं उनसे सेंसिटिविटी होती है। कुछ लोगों को ड्रिंक से या कॉफ़ी से या चाय से सेंसिटिविटी होती है, तो जैसे ही वह लेते हैं उनके बाउल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। कुछ लोगों को गेहूं के ग्लूटीन प्रोटीन, गेहूं में एक प्रोटीन पाया जाता है इसे ग्लूटीन कहते हैं, तो ग्लूटीन सेंसिटिविटी भी बाउल फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। तो ऐसे लोग जब भी रोटी खाते हैं या रोटी से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो उनको तुरंत जो है बाउल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और इस तरह IBS के सिम्टम उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध या दूध से बनी चीज़ों से काफ़ी सेंसिटिविटी होती है, या दूध से बनी जो खोए या मिठाइयाँ होती हैं उनसे सेंसिटिविटी होती है, तो ऐसे लोग जब भी दूध या पनीर या ऐसी चीज़ खाते हैं तो उसमें भी IBS के सिम्टम उत्पन्न होते हैं और समस्याएँ बढ़ जाती हैं। कुछ मेंटल हेल्थ की बात करें या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या इमोशनल स्ट्रेस की बात करें तो ऐसे फैक्टर्स भी कभी कभी IBS के सिम्टम को बढ़ाते हैं। ज़्यादातर माना जाता है कि जो IBS होता है वो साइकोसोमेटिक होता है, यानी ज़्यादातर केसेस में स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें हमारे बाउल फ्रिक्वेंसी से बहुत रिलेटेड होती हैं। जब कभी हम स्ट्रेस में होते हैं या हमें कभी जाना होता है, बाहर जाना होता है, या एग्ज़ाम का समय होता है, स्टूडेंट्स में ज़्यादातर देखने को होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है उनके बाउल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। कुछ लोगों में कोई एक्सीडेंटल ऐसी घटना घटी हो जिसके बाद उनके अचानक एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होता है और तुरंत शौच के लिए जाने लगते हैं, तो इस तरह का स्ट्रेस भी या लंबे समय से डिप्रेशन बना हो तो ऐसे केसेस में भी IBS की फ्रिक्वेंसी बढ़ी होती है। IBS के रोगियों में ऐसे सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह जो कमोबेश कारण अभी तक पता लग सके हैं उनकी मैंने बात करी। कुछ अन्य कारण हो सकता है और हों तो उसको आप अपने चिकित्सक से मिलेंगे तो वो आपको सुझाएंगे आपके कंडीशन के अनुसार। जैसे आपको कुछ लगता है कि नहीं मुझे ऐसा फीलिंग होती है, इस एक्टिविटी के बाद मुझे ऐसा होता है या ऐसा करने पर होता है, तो आपने चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के साथ अगर चिकित्सा की बात करें कि IBS के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहला चीज़ होती है कि कारण जो है उसका निवारण करें, रिमूव द काज, जो कारण है उसको दूर करने का प्रयास करें। यदि इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उसको रिजॉल्व कराएं, यदि आपको ट्यूबरकुलर है तो उसका इलाज कराने का प्रयास करें। यदि कुछ ऐसे सेंसिटिव चीज़ें आप खाते हैं जिसकी वजह से आपको होता है तो आपको कॉन्शस रहने की ज़रूरत है किस चीज़ से हमें हो रहा है और उस चीज़ को छोड़ना है, ठीक है। उसके अलावा अन्य चीज़ों का आप ग्रहण करें जो आपके लिए सुटेबल हो। तो इस तरह डाइट मैनेजमेंट से हम काफ़ी बेहतर अपने आप को महसूस कर सकते हैं। स्ट्रेस और तनाव से जहाँ तक हो सके दूर रहें, नियमित योग, व्यायाम और एक्सरसाइज करें, ध्यान साधना करें, तो आप स्ट्रेस से काफ़ी दूर रह सकते हैं या स्ट्रेस के कारणों को दूर करने का प्रयास करें। कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने चिकित्सक से मिलें और औषधियों का सेवन करें और बेहतर लाभ पाएँ। धन्यवाद।